साथ चलिए, मेरे घर पे एक पागल औरत है जो जो सबका खून किए जा रही है, आप चलिए मेरे साथ। मैडम आराम से, क्या हुआ, कौन किसको मार रहा है? मेरे घर पे आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ, आप चलिए तो सही, चलिए ना, चलिए। हाँ सर। क्या? हाँ सर, सर मैं फौरन पहुंचता हूँ, डोंट वरी। इंस्पेक्टर साहब आप मेरे साथ चलिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम पास में पुलिस चौकी है, मैं किसी और से बोल देता हूँ, वो आपके साथ चला जाएगा। मेरा एमजी रोड जाना बहुत जरूरी है, किसी के घर में भयंकर आग लग गई है। एमजी रोड पे किसके घर पे? प्लॉट नंबर 23। कहते हैं कि उस घर में रहने वाले सभी लोग जल के मर गए। शर्मा चलो। अरे 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 लट्ठा सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना सब्जियों की जगह नहीं है। ओए पैंची सब्जियां ही लेना। अरे को ताजमहल थोड़ी है जो आगरा में ही रहना चाहिए। अरे यहाँ नहीं रखती तो वहाँ रखती, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है तो आप ये बात उसे भी बोल देना, ठीक है? ओ नहीं 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 पैंची, और अपनी सो मुझे प्लीज में दे दो, लेकिन उसे मत बुलाओ। वैसे वो है कहाँ पे? वो ढाबे पहुँच गई है, आप भी फटाफट सारी सब्जियां कटवाइए और ढाबे पे लेके जाइए, ठीक है? ठीक है जी। या अल्लाह, अब ये क्या है? आप अंग्रेज हैं क्या? ना जी। तो फिर आपको हिंदी समझ में नहीं आती? आपको पता नहीं है क्या, सनम को सारी सब्जियां अलग अलग टोकरी में बराबर बराबर चाहिए। या अल्लाह। आप रहन दो बहन जी, मैं कर देता हूँ। रहन दो बहन जी। ओह ऊपर पेंजी, मुझे 20 साल हो गया आपकी घर की और ढाबे की सब्जियां लाते, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती, वो ये हमारी सनम बेटी ऐसी क्यों है? उसे हर जगह साफ और सुथरी चाहिए। वो बोलती है ओए लट्ठा जी, गिलास एक लाइन में चाहिए, वो चमचे प्लेट की बाईं ओर चाहिए, वो जहां धूल नहीं होती वहां उसे धूल दिखती है। वो मेरी समझ में नहीं आता ये हमारी सनम बेटी की ऐसी आदतें क्यों है? ये उसकी आदत नहीं है, ये विरासत है। Not again, Miss Farooqi. क्या ये सब कमरे की क्या हालत बना दी आपने? और आपको पता है ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सबके बिना बिताए हुए 20 साल 20 सदियों की तरह काटे हैं मैंने। तुम्हारे और नजमा के बच्चों को बड़ा करते करते कब मैं अम्मी से बड़ी अम्मी बन गई पता ही नहीं चला। जितना वक्त बिताती हूं उनके साथ तुम्हारी उतनी ही याद आती। और सनम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। Thank you.
ओए, ओ ये कर क्या रही है? सनम बाजी को हर चीज अपनी जगह पे चाहिए होती है। अभी वो बर्तन रखेगी। अच्छा, अब सारे मसाले सारे सब्जियां अपनी जगह पर। वो क्या कर रहा है? देखो देखो क्या धूल नहीं है, वहां उन्हें धूल दिखाई देगी अभी। ओ तेरी, ओए तेरे को तो सब कुछ पता है छोटे। ए नहीं, लंबू है नाम मेरा। हाँ लंबू। सनम दा ढाबा जैसे है फाइव स्टार, सनम दा ढाबा जैसे है फाइव स्टार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लीजिए लस्सी पीजिए। अल्लाह मियां पै गया पंगा। तो मैंने 5 सालों में मेहनत कर करके ये जो बुक तैयार की है ना रेसिपी की, कसम से इस गधे के हाथ भी लग जाए ना वो भी सुपर शेफ बनता। बाजी क्या है? बाजी हाँ जी। वो 7 नंबर वाले ने खाना खाया लेकिन पे नहीं दे रहा है। लंबू तू मेरे ढाबे का बाउंसर है ना लेके आ उससे पैसे। जा जा ना, आप भी साथ में चलो ना। क्यों ते डर लग रहा है? मुझे भी लग रहा है वैसे, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? बड़ी अम्मी की खिदमत के लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और ढाबे की चेन फोड़नी है कि नहीं, और मेरी हया को ऑपरेशन भी तो करवाना है। ऐसे मुफ्त खोरों को खिलाती रही ना तो हो गया काम। चलो मैं इसे डराती हूँ। ए, पैदे, जानते नहीं तुम लोग मेरा नाम हैप्पी गुलाटी है। होना तो चीप गुलाटी चाहिए था। चीप किसे बोली? जानते नहीं मैं कौन हूँ? जानती हूँ, तुम वो हो जो आज के जमाने में भी अपने दोस्तों को मिस कॉल मारते हो। तुम वो हो जिससे भिखारी भी पैसे मांगे ना तो तुम कहते हो स्टाफ, और तुम वो हो जो साबुन को भी पॉलिथिन में बांध के नहाते हो। कंजूस मुफ्ती घोरो तुम। अबे पैदे, तुम्हें पता है ये जो ढाबा है ना मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, और ऐसे अभी मुझे बहुत सारे ढाबे बनाने हैं। ढाबा की चेन खोलनी है। इतने ढाबे बनाऊंगी अच्छे वाले कि जो पंजाब के बच्चे हैं ना वो अपनी पोएम में बाबा बाबा ब्लैकशिप नहीं ढाबा ढाबा ब्लैकशिप बोलेंगे, समझे? इसलिए जो तुमने खाना खाया ना उसके पैसे दो। तुम चुप रहो, मुझे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसे निकालो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो खाना क्यों खाया तुमने बताओ? तुम जैसे मुफ्तखोरों के लिए मैंने ढाबा खोला क्या? जे मेरे खाने के पैसे चाहिए। सनम पुत्र, मैं डरती नहीं हूँ, आपको क्या लगता है इस पैसे के साथ मैं डर जाऊंगी? खूब जानती हूँ मैं ऐसा, आप क्यों डर रहे? किसी से नहीं डरती मैं, समझे? पैसे दो, मैं भी देखती हूँ कैसे मुफ्त का खाना खाती हूँ। ऐसे जब कोई मेरे ढाबे में आके पैसे देने से मना करता है ना मुझे आग लग जाती है। अरे वही तो कह रहे, पीछे आग लगी है। जी आपका हाथ जल गया, चलो मैं
पट्टी लगाता हूँ। क्या जरूरत थी आपको हाथ से आग बुझाने की? हाथ जल गया ना आपका? किताब अब मेरी और मेरी बड़ी अम्मी की उम्मीद है। हाथ चाहे झुलस जाए पर इस उम्मीद को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ना करे आप पे या आपके धाते पे कोई मुसीबत आए। चल अभी बहुत काम है। कलम्बा जी हाँ? मुझे एक बात बताओ, हर ढाबे के दाल मखनी में वही दाल होती है, वही क्रीम होती है, फिर हमारी दाल सबसे अच्छी क्यों होती है? यही तो कमाल है। जो कुकिंग है ना रोमांस की तरह होती, मोहब्बत की तरह होती। करो तो दिल से करो वरना मत करो, सिंपल। जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? निकाह के बाद भी तो मोहब्बत हो सकती है। निकाह के बाद बड़ा लड़का फिर छोटा लड़का, पिमुनिया होती है, फिर झगड़े होते हैं, मोहब्बत नहीं होती। चुप रहो तुम, ऐसा कुछ नहीं। बाजी इस ना बड़ी टेढ़ी खीर होती है, पता ही नहीं चलता कब हो जाता है, बाद में समझ में आता है। अल्लाह जिससे हम नफरत समझ रहे थे वो इश्क था। आहिल भाई, आहिल भाई, आहिल भाई उठो, आहिल भाई गुड मॉर्निंग। देखो तुम ना ज्यादा फिल्मी बातें मत करो, समझे? हम खानदानी लोग हैं और अच्छे खानदान की लड़कियां ऐसा वैसा नहीं सोचती, समझा? हमारी बड़ी अम्मी ने हमारे लिए लड़का देखा है तो कुछ सोच समझ के देखा होगा ना। अचानक ये हम करके क्यों बोल रही है? क्या है ना कभी कभी फील आ जाती खानदानी लड़कियों वाली। तू इसे देख, चलना जाए फोन देख। हेलो। हाँ हेलो सनम। जी बड़ी अम्मी। बेटा हया तो बच्चों को खाना देने गई है, अब खाना कौन पहुंचाएगा? अल्लाह मियां पै गया पंगा। एक काम करती हूँ, ऑर्डर तो सब रेडी है, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, लाइन पे रहिएगा। हाँ 15 ही। वो क्या है ना बड़ी अम्मी कि आजकल चाइनीज का बड़ा फैशन, जहाँ जाओ सब लोग चाइनीज मांगते। थैंक्स टू पम्मी आंटी जिनकी क्लासेस मैंने सब कुछ अच्छे से बनाना सीख लिया। माशाल्लाह कुक द कुकड़ क्या सिखाती। वैसे मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने थोड़ी सी क्लासेस और लगाई होती ना मैक्सिकन भी सीख जाती। पर ठीक है ना, साइबर कैफे जिंदाबाद, अच्छी अच्छी सभी रेसिपीज के प्रिंट आउट निकलवा लूंगी। ठीक है। हाय अल्लाह वो कहाँ है बड़ी अम्मी? वो क्या? पुदीने की चटनी नहीं मिल रही है। पुदीने की चटनी? सनम ये तो चाइनीज है ना, इसमें पुदीने की चटनी का क्या काम? क्या बात कर रही है बड़ी अम्मी, ये
पुदीने की चटनी ना दुनिया की सबसे लाजवाब चीज है। बर्गर हो, भटूरा हो या फिर आपकी दाल, जो खाओ पुदीने की चटनी के साथ खाओ तो स्वाद दुगना हो जाता है। अरे लेकिन है तो चटनी ना। हाँ शुक्र है अल्लाह का मिल गई। ये है सनम के हाथों की बनाई हुई स्पेशल पुदीने की चटनी, जो भी खाएगा उंगलियां चलता रह जाएगा। क्या हुआ रेहान, क्या आफत आ गई है? What's the problem? आहिल भाई, अमेरिकन क्लाइंट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है 2 मिनट में, फाइव स्टार होटल लैंड डील के सिलसिले में। Oh yeah, man. Thank you so much, Rehan. No problem. जमीन के पेपर्स आपको आज मेल हो जाएंगे, बाकी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट we'll get it by next week. Till then, have a wonderful week, Mr. Hutchison. Goodbye. 10 करोड़ की डील 5 मिनट में हो गई। हमारे हान, 5 मिनट तो बहुत लंबा वक्त होता है, दुनिया तो बस यूं एक ही पल में जीती जा सकती है, बस जीतना आना चाहिए। एंड FYI, for your information, Ahil Raza Ibrahim ko jeetna aata hai. Now listen. Ji. Aaj se mere sare calls tum hi handle karoge, okay? Main Punjab ja raha hu. Wo Malhotras bhi na, wo bhi us zameen ke piche pade hain. Aur kaise bhi karke mujhe wo zameen khareedni hai unse pehle. By hook or by crook. So isliye आज से मैं किसी से बात नहीं करूंगा। नो वन। और अगर बेगम साहिबा का फोन आया तो? रेहान मिया, बेगम साहिबा जिसे बात करना चाहती है ना, वो उन्हें ढूंढी लेती है। और वैसे भी मैं कहां जाने वाला हूं, मेरे सारे नंबर्स तो हैं उनके पास। डोंट वरी। आप अकेले जा रहे हैं? वहीं मिलेंगे आप उन्हें। तो ये वाली नंबर 25, 26 एक और बढ़ गई। कैसे? Naturally, I'm going to stop and eat. पुदीने की चटनी के साथ खाना और भी अच्छा लगेगा। अल्लाह, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। अनमर मियां बहुत लकी हैं, जो उनका निकाह तुम्हारे साथ हो रहा है। वैसे वो आए हुए हैं। क्या बात कर रही है? हाय अल्लाह, सच में? अरे जाओ, मिलकर आओ। पागल हो गई है? कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़े ना हूं,
एक आज से पहले अपने दूल्हे को मिलने चली जाऊंगी। अरे जाओ 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 जाओ, 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 जाओ जल्दी मिलो। और हमें सब पता है कि अंदर से तो तुम मर रही हो अपने मंगेतर से मिलने के लिए। और हाँ, उनके लिए सूप भी लेकर जाओ, ते हाथों से पिलाना उनको। और पुदीने की चटनी डालना। हाँ, हाँ। इसको पुदीने की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब जाओ भी। ऐ खुदा, मेरा आने वाला कल मेरे सामने है, जो मुझे दिल से कबूल है। अब कुछ गलत नहीं हो सकता।